हेलो बच्चों, लेट अस कंटिन्यू आवर इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में अब तक हमने जो सस्पेंस है मोल का, उससे पर्दा हटा दिया है। मतलब मोल हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये हमने पता लगा लिया है। मोल नंबर बताता है, मोल से हम मास फाइंड कर सकते हैं, मोल से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं गैसेज का एसटीपी पर। इन सब में क्या रिलेशन है, इनको थोड़ा सा टेक्निकली अरेंज करना पड़ेगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में ना रहे। मतलब इंटर कन्वर्जन, कि मुझे नंबर पता है तो मोल कैसे लाऊंगा, मोल पता है तो नंबर कैसे लाऊंगा, वॉल्यूम पता है तो नंबर लाना है, इन सबको आपस में इंटर कनेक्ट करना है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसको अपन बोलते हैं वाई मैप। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वाई मैप। वाई मैप क्या है? वाई मैप रिलेशन बिटवीन मोल, नंबर नंबर ऑफ स्पीसीज, मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। देखो सारी चीज़ें आ गई, मोल, नंबर, मास एंड वॉल्यूम, इन चारों को कैसे इंटरकनेक्ट करें। तो वाई में देखो 1, 2, 3, 4, यही तो चार चीज़ें हैं, चार पॉइंट्स यही कनेक्ट करेंगे इसमें। तो इसको एक वाई टाइप की डिज़ाइन बना लेते हैं। देखो सबसे पहले बीच में मैं लिख लेता हूँ मोल, क्योंकि इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट मोल ही है। तो ये सेंटर में आ गया, यहाँ से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ गैस। एट एस टी पी इन लीटर। दूसरी चीज मैं फाइंड कर सकता हूँ मास इन ग्राम। तीसरी चीज हम फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले मॉलिक्यूल्स आएंगे बेटा, ये देखिए इनको अपन मोल से फाइंड कर सकते हैं, ये इनको इंटरकनेक्ट करेगा। एक मोल तीन इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको मोल पता है और वॉल्यूम लाना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि वन मोल का आपको अपने दिमाग में रखना होता है। वन मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 एसटीपी पे। तो जितने भी मोल हैं उसको क्या कर दोगे, मोल मल्टीप्लाइड बाय 22.4 गिव्स वॉल्यूम। मोल अगर पता है 22.4 टाइम्स कर दो वॉल्यूम आ जाएगा। रिवर्स, अगर वॉल्यूम क्वेश्चन में दे रखा है और मोल लाना है तो क्या करना पड़ेगा, दिस डिवाइडेड बाय 22.4, दिस डिवाइडेड बाय 22.4 गिव्स मोल। ये इनका इंटरकनेक्शन हो गया। हम जानते हैं कि मोल, एक मोल में कितना मास होता है, मोलर मास। तो जितने भी मोल हैं उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, मोलर मास से, तो बेटा आपको मिल जाएगा मास। रीज़न आपको पता ही है, क्योंकि एक मोल का मास मोलर मास होता है। 20 है तो 20 टाइम्स, 30 है तो 30 टाइम्स, एक्स है तो एक्स टाइम्स। रिवर्स, अगर मास आपको पता है और आपको मोल फाइंड करना है तो आप इसको किससे डिवाइड कर दोगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल सा जाएगा। अब मोल में नंबर की बात करें तो एक मोल में नंबर काउंटिंग कितनी होती है, एनी। तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर गिव्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल से वापस मोल पे आना है तो डिवाइडेड बाय एनी, ये लो। अब मॉलिक्यूल के बाद आप मॉलिक्यूल के अंदर घुस जाओ तो आपको क्या दिखेंगे, एटम्स। एटम्स के अंदर घुस जाओ तो आपको दिखेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। वहाँ तक बात कर सकता है क्वेश्चन बच्चों आपसे? फिर से देखो, आपको क्या दे देगा, मास, और बोलेगा इलेक्ट्रॉन फाइंड करो। तो मास से पहले मोल पे जाना पड़ेगा, मोल से मॉलिक्यूल पे जाना पड़ेगा, मॉलिक्यूल से एटम पे जाना पड़ेगा, फिर एटम से आपको उसके इलेक्ट्रॉन्स तक जाना पड़ेगा।
तो मॉलिक्यूल के बाद आप नंबर ऑफ एटम्स भी फाइंड कर सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स। हाँ, अगर मास ही एटम्स का दे रखा है तो मॉलिक्यूल की जगह सीधा ही एटम आ जाएगा। तो बताओ मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएंगे? एटम्स आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूल्स पे आ गए, और यहाँ से वापस यहाँ जाना है तो डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी। ये कनेक्शन है, ये एक रोड मैप है, ये एक पाथ है जो हमें बताता है कि किस तरीके से एक इन्फॉर्मेशन से रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। देखो बच्चों, मान लो आपको दे दिया जाता है मास, क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करो बेटा क्या गिवन है, मास दे दिया, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, तो क्या तरीका है? यहाँ से कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है, आपको कैसे जाना पड़ेगा? इसी रूट से जाना पड़ेगा। तो रूट क्या है? फर्स्ट यू हैव टू फाइंड मोल, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देन नंबर ऑफ एटम्स। अगर आपको एटम्स दे रखा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कोई डायरेक्ट रूट नहीं होता है, तो ये रूट पता आराम से लगा सकते हैं। एक दो बार रफ में इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कुछ दिनों के बाद आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप डायरेक्ट फाइंड कर लोगे। तो एटम दे रखा है तो पहले मॉलिक्यूल लाएंगे, फिर मोल लाएंगे, फिर वॉल्यूम आ जाएगा। तो शुरू में जो प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी, जो न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे, उसमें आप वाई मैप का यूज करके सॉल्व करो, फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये चीज़ आ जाएगी। तो आई थिंक वेरी क्लियर हो गया होगा कि क्या रिलेशन इसमें होता है, किस तरह से हम इनको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं फॉर्मूले भी डिजाइन कर सकता हूँ, हाउ टू फाइंड मोल। आपसे कोई बोले मोल कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड मोल मतलब मोल पर आना है, कितने तरीके हमारे पास है? तीन। डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है तो उस हिसाब से आएगा, नंबर गिवन है तो उससे कैलकुलेट कर लेंगे, मास गिवन है तो उससे भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे मैं पहला रूट में तुम्हें बता देता हूँ कि भाई मोल लाना है और आपके पास मास है, तो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन, मास हो गया ग्राम में, अपॉन मोलर मास, मोलर मास से डिवाइड कर दो। क्लियर? चलो दूसरा आ जाता है। अब दूसरे वाले में देखो, अगर गैस है तो फिर वॉल भी गैस के ही आएंगे। कई बार स्टूडेंट ऐसी गलतियां कर देते हैं, मास किस चीज़ का गिवन है, मोल किसी और चीज़ के कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जिसका मास गिवन होता है उसी के मोल आएंगे बच्चों, जिसका वॉल्यूम होता है उसी के मोल आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोल्स ऑफ गैस, गैस के मोल कैसे आएंगे, तो यहाँ से भी आ जाएंगे, ये तो सबके लिए है, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, ये स्पेशल वॉल्यूम है तो है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर, फिक्स है बेटा, ये लीटर में होना चाहिए, एसटीपी होना चाहिए, गैस होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्मूले को यूज कर पाओगे, डिवाइडेड बाय 22.4। तीसरा आ जाता है, अगर आपको नंबर दे रखा है किसी चीज़ का, अब नंबर किसका दे रखा है? एटम का दे रखा है, तो मोल किसके आएंगे? एटम के। काउंटिंग मॉलिक्यूल की दे रखी है तो मोल किसके आएंगे? मॉलिक्यूल के। काउंटिंग बुक्स की दे रखी है तो मोल भी बुक्स के आएंगे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही क्या है। तो मोल्स, इसमें लिखना पड़ेगा मुझे मोल्स ऑफ स्पीसीज, तो जिसके नंबर होंगे, नंबर ऑफ दैट स्पीसीज अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तीनों एक ही चीज़ है बेटा। मास दे रखा है तो मास से डिवाइड करो, वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम से डिवाइड करो, नंबर दे रखा है तो नंबर से डिवाइड करो, मोल आ जाएगा आपका। तो आई थिंक ये तीनों फॉर्मूले सभी स्टूडेंट्स को वेरी क्लियर होंगे, डायरेक्ट परमानेंट खोपड़ी में रखें तो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा हमारा प्रोग्राम। अब इस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, देखो एक एक चीज़ को सॉल्व करने वाले हैं, नोट कर लो इसको।
अब मैं यहाँ एक क्वेश्चन डिजाइन करता हूँ, फिर उसके सॉल्यूशन बनाएंगे। देखो क्वेश्चन है, मान लो आपको दे रखा है बेटा 11 ग्राम CO2 गैस एट STP। मान लो ये सिंपल सा सवाल है, 11 ग्राम CO2 गैस STP पर है, आपको इसमें फाइंड करना है। पहले तो खुद ही सोचो क्या क्या फाइंड कर सकते हो यार। तो फाइंड करना है, पहला हो गया मोल। अब बताओ ये मोल किसके आएंगे, कार्बन के आएंगे, ऑक्सीजन के आएंगे, या कार्बन डाइऑक्साइड के आएंगे? खुद सोचो एक बार, मास किसका है, ये कार्बन का है, ऑक्सीजन का है, या CO2 का है? CO2 का है, तो जिसका मास होता है उसी की इन्फॉर्मेशन आएगी, ये सारा उसी के लिए चलेगा। सेकंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। थर्ड, नंबर ऑफ एटम्स। फोर्थ, वॉल्यूम एट STP। चलो ये चारों चीज़ें मुझे एक्सट्रैक्ट करनी है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा वाई मैप में मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है। मुझे गिवन है मास, तो ढूंढो बेटा कहाँ है, ये रहा मास। मतलब आप यहाँ पर हो, आपको जाना है यहाँ पे, मतलब मोल फाइंड करना है, तो डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो पहला हमारा आंसर आएगा मोल्स। मोल्स को ऐसे भी लिख लेते हैं बेटा, N और फिर CO2। थोड़े से शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, अपन जानते ही हैं कि भाई दिमाग होता है तो उसका यूज़ करना चाहिए। तो लिखना पड़ता है मोल्स ऑफ CO2, सिंपल लिख दो N और उसके नीचे चिपका दो CO2। चलो कैसे लाएंगे, वेट आपको गिवन है, वेट हमेशा ग्राम में ही होना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन वाला कुछ भी दे सकता है, किलोग्राम, मिलीग्राम, टन, क्विंटल, बट आपके दिमाग में तो है ना कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इस फॉर्मूले में जो वेट आएगा वो ग्राम में ही आना चाहिए। देखिए तो ये आ गया हमारा 11 अपॉन, डिनोमिनेटर में लाएंगे मोलर मास। अब मोलर मास कहाँ से आएगा, खोपड़ी से आएगा भैया। तो करो कैलकुलेट, कार्बन, एक कार्बन का होता है 12, दो ऑक्सीजन का हो गया 32, सम करोगे तो आ जाएगा 44। व्हाट वी गेट, 1/4, 0.25 मोल, ये लीजिए। दूसरा है, जब मोल पता चल गया तो अब हम यहां पहुंच गए, अब हमें लाना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो किधर है, ढूंढो, ये रहे। और हम जानते हैं ये रटने की भी जरूरत नहीं है, ये पहले पढ़ चुके हैं सारा मामला कि मोल पता है तो नंबर कैसे लाते हैं। तो बताइए नंबर ऑफ CO2 कैसे आएगा, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, पहला ये, दूसरा ये। तीसरा देखो इधर, नंबर ऑफ एटम्स, जब मॉलिक्यूल आ गया अब एटम्स पे जाएंगे, तो एटोमिसिटी, एक के अंदर कितने हैं, 3 एटम हैं, तो जितने भी CO2 होंगे उसका 3 टाइम्स करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ एटम्स 3 टाइम्स कर दो, तो 0.75 × Na। और लास्ट वन इज वॉल्यूम एट STP, तो मोल है, वॉल्यूम पे जाना है, और एक मोल में 22.4 होता है, तो ये लीजिए VCO2। क्या करना पड़ेगा, 22.4 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 0.25 × 22.4 मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा बेटा 5.6 लीटर। ये हमारा फोर्थ आंसर है। बताओ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो बहुत सारे बच्चे इसी बात में उलझ के रह जाते हैं कि एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये क्या होता है, वो क्या होता है, और बाद में उन्हें लगता है कि केमिस्ट्री शायद हमारे लिए नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केमिस्ट्री वर्ड में ही देखो कितना प्यार छुपा हुआ है। तो केमिस्ट्री तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन ज़रूरत होती है कि उसको पूरी ईमानदारी से हम पढ़ें, पूरा दिमाग लगा के। ठीक है, चलो, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर वाई मैप। ओके, गुड बाय।